सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंडर्ड की एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूं। एपिसोड की शुरुआत में हमें डोंग दिखाया जाता है जो अपने बूमरैंग को पकड़ते हुए वहां से छलांग मार चुका होता है और उसने अपने बूमरैंग के अंदर एक रोप फंसाई होती है जिसे कान से वो उस बूमरैंग को एक पेड़ के अंदर लटकाता है जिसे कान से वो लटकते हुए उस वैली को वहां से पार कर चुका होता है। वो जैसे उधर लैंड करता है वो वैसे हंसते हुए उस डियर से कहता है कि सो अबे तू मुझे मारना था ना, सो यहाँ पे आ जाओ उड़ते हुए मुझे मारने के लिए। वो डियर बड़े गुस्से में वहाँ पे जोर से चिल्लाने लग चुका होता है और फिर उसके बाद हम अगली सीन पे मिंग दिखाया जा रहा होता है जो भागते हुए वहाँ से जा रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। और फिर तभी वहाँ पे एक बूढ़ा वहाँ से गुजर रहा होता है और उसके अंदर से कुछ अलग ही टाइप की एनर्जी रिलीज हो रही होती है। मिंग उसे देखते हुए सर हरण होता है पर तभी वो बूढ़ा आदमी एकदम हंसते हुए मिंग से कहता है कि तुम इतनी जल्दी भागते हुए कहाँ जा रहे हो। मिंग उस बूढ़ा आदमी से कहता है कि देखो आप जल्दी से आप किसी को जाके बताइए कि अब यहाँ पे वो लोग एक ऐसी जगह ढूंढ ले जो सेफ हो। वो बूढ़ा आदमी मिंग से हराने से कहता है कि हमें छुपने ही क्या असर होता है और वैसे अभी यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो लोग एक हॉल के अंदर जाके खाना खा रहे हैं और देखो वैसे हमारे यहाँ पे एक कल्चर चलता है जैसे कहाँ से हम लोग भले कोई भी बिजनेस क्यों ना करते हो पर हम लोग साथ में मिलके ऐसे खाना खाते हैं। मिंग से हराने से कहता है कि तो सब लोग वहाँ पे उस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। वो आदमी उसे कहता है कि हाँ वो लोग वहीं पे बैठे हुए हैं पर तुम मुझे बताओ कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है या फिर कोई मॉन्स्टर्स आ चुके हैं अटैक करने के लिए। मिंग उसे कहता है कि देखो अभी ये जो तुम्हारा टाउन है वो अभी सेफ नहीं रहा है, तुम्हें जल्दी से कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे तुम सभी छुप सको। सभी को इस जगह है जहाँ पे तुम सभी छुप सकते हो। वो आदमी कहता है कि हाँ अभी यहाँ पे जो लोग खाना खा रहे हैं उस हॉल के अंदर उसी हॉल के पीछे एक अंडरग्राउंड शेल्टर है। मैंगो उस आदमी से कहता है कि सो वे प्लीज आप मेरी हेल्प करिए सबको वहां तक पहुंचाने में। पर फिर मैंग उसकी स्टिक को देखते हुए कहता है कि ये तेज नहीं भाग पाएगा सर, आप रहने दीजिए मैं ये सबको पहुंचा देता हूँ ये खबर। वो आदमी अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखो मैं भले भाग नहीं सकता एकदम तेज से पर मैं एक गाड़ी तो चला ही सकता हूँ। मिंग उसकी गाड़ी को देखते हुए कहता है कि तो चलो हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो आदमी बड़े जोश में उसकी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वो कहता है कि पहले मैं ऐसे मैसेज पहुंचाता था बड़ी एकदम तेज से और फिर वो बूढ़ा आदमी एकदम तेज से वो अकेला ही निकल पड़ता है वहां से। मिंग उस आदमी को देखते हुए कहता है कि तो यार सच में ये अपने पास्ट में भी कुछ ऐसे बिहेव करता था क्या। फिर मिंग को एक डोर के पीछे से कुछ आवाज आ रही होती है और फिर वो डोर ओपन करते हुए देखता है कि उसके सामने एक लेडी बैठी हुई है और वो उस लेडी को देखते हुए कहता है कि सब लोग तो खाना खाने के लिए उस हॉल के अंदर गए हुए हैं ना। और वो ऐसे सोचते हुए उस रूम के अंदर जाने लग चुका होता है और उस लेडी से कहता है कि ये जो जगह है वो अभी सेफ नहीं है सो आप जल्दी से यहाँ से निकलिए। वो लेडी दिखाई जाती है जो एक चिकन को खाते हुए कहते हैं कि ये मेरा पांचवा चिकन था पर फिर भी मुझे मेरा जो पेट है वो अभी तक भरा नहीं है। पर फिर वो लेडी मिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारी स्मेल मुझे बड़ी अच्छी लग रही है तो चलो अब मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वो ऐसे बोलते हुए मिंग की तरफ एकदम तेजी से उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है पर तभी मिंग उससे दूर हो जाता है जैसे कान से वो जो लड़की होती है वो दूर गिरती है और वो मिंग को देखते हुए कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा फास्ट हो। पर मिंग उस लेडी को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये लेडी काफी ज्यादा तेज है, ये एक लेपर्ड जैसी लग रही है मुझे। और फिर तभी मिंग एकदम तेजी से उस घर की जो दीवार होती है उसे तोड़ते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। वो लेडी बड़ी इविल सी फेस बनाते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लग रही है मैं तुम्हें खा के रहूंगी। मिंग बड़ी हैरानी से कहता है कि ये किस तरह के अजीब अजीब टाइप के ज़ॉम्बीज़ या मॉन्स्टर्स निकलने जा रहे हैं। वो गॉडेस एकदम चिल्लाते हुए मिंग से कहते हैं कि मिंग तुम वहाँ पे मत रुकना क्योंकि वहाँ पे इस जैसे सिर्फ एक ही मॉन्स्टर नहीं है वहाँ पे और भी मॉन्स्टर्स हैं। और फिर तभी वहाँ पे कुछ दो और मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। मिंग उन्हें देखते हुए बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ये लोग भी पैरासाइट बन चुके हैं। तभी वो गॉडेस मिंग से कहते हैं कि मिंग तुम जल्दी से भागो वो जो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है वो तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है। और फिर तभी मिंग उस लेडी को देख चुका होता है और वो एकदम तेज से उधर से जंप मारते हुए उस घर के छत पे चला जाता है। और फिर जैसे ही वो छत पे आता है वो तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी फिर वो गॉडेस कुछ सेंस करते हुए कहते हैं कि तुमने जिसको भी आइस के अंदर सील किया था वो सभी अब आजाद हो चुके हैं। मिंग से हैरान होता है कहता है कि ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो क्या, मैंने जो फीस उन लोगों के ऊपर यूज की थी वो $300,000 की थी। पर फिर तभी वहाँ पे कुछ अलग सी आवाज आने लग चुकी होती है और वो गॉडेस इसे सेंस करते हुए कहते हैं कि ये आवाज तो एक कॉलिंग साउंड की तरह है और ये जो साउंड होती है वो एक्चुअल में ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन लोगों की एक एबिलिटी होती है। मिंग से हराने से कहता है कि ये कॉलिंग साउंड क्या होता है। वो गॉडेस मिंग से कहते हैं कि देखो अभी तुम्हें ये बात सुनते हुए जरा अच्छा तो नहीं लगेगा पर अभी ये जो टाउन है उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैरासाइड हैं। और फिर तभी उतने में वहाँ पे कुछ दो और मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं और वो एकदम तेज से मिंग की तरफ ही अटैक करने वाले होते हैं और उनमें से एक चेन्सो मैन की सबसे सस्ती सी कॉपी आती है जिसके बॉडी के अंदर से चेन्सो नहीं उसके हाथ के पास ही चेन्सो है और वो बड़े एडवेंचर से कहता है कि मुझे यहाँ पे लोगों का सर ओपन करना बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद हमें दूसरा पैरासाइट दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक स्टिक होती है और वो उसे कहता है कि
मुझे आप एक्चुअल में लोगों के सिरों के अंदर ऐसे होल करना बहुत ज्यादा पसंद है। पर विद टाइमिंग उसके हाथ में स्ट्रिक होती है, उसे तोड़ देता है और जैसे कान से उसके आगे का जो मेटल का हिस्सा था वो आज से दूर हट चुका होता है। वो पैरासाइट ये देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। पता है मिंग एकदम तेज से उसे पंच मारते हुए उस छत से नीचे गिरा देता है और वो जैसे नीचे गिरता है वैसे ही आप एक जरा से धमाका होता है, पर तभी वो जो ज़ॉम्बी होता है वो वापस से खड़ा हो जाता है। मिंग उसे देखते हुए कहता है कि ये मरा नहीं क्या, मैंने इतना खतरनाक पंच मारा उसे पर फिर भी वो जिंदा है। पर विधायु पे वो चेंसो मैन उसके ऊपर अटैक करता है पर मिंग उसके अटैक से बच जाता है और विधायु आदमी फिर से चेंसो से अटैक करता है मिंग के ऊपर। पर विधायु मिंग वहाँ से एकदम तेज से हट चुका होता है पर फिर से वो आदमी चेंसो से फिर से मिंग के ऊपर अटैक करता है पर फिर भी इस बार मिंग एकदम तेज से बच चुका होता है और इस बार जो अटैक किया था इस आदमी ने इसकी वजह से उसकी चेंसो से अटैक चुकी होती है पर वो एकदम तेज से उसकी चेंसो निकालता है। जैसे कहां से वो हट चेंसो मिंग को लगने वाली होती है पर मिंग वहां से एकदम तेज से जंप करते हुए वहां से निकल चुका होता है और फिर मिंग जैसे जंप करते हुए वहां से निकल रहा होता है वैसे वो एक दीवार का सपोर्ट लेते हुए उस आदमी की तरफ एकदम तेज से एक पंच मारने के लिए आ चुका होता है और वो आदमी को एक जोरदार सा पंच मारता है और उस पंच के कारण वो जो दीवार होती है वो टूट जाती है और आदमी नीचे गिर चुका होता है। मिंग उस आदमी को देखते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसे काटोगे और फिर मिंग उसी साथ ध्यान से देखते हुए कहता है कि क्या तुम जिंदा हो या फिर मर चुके हो। पर फिर तभी उतने में मिंग के पीछे वही फीमेल वाली पैरासाइट आ चुकी होती है। दोस्तों आजकल बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज का अगला एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।